हेलो भाई, मैं हूँ आदित्य राज। भाई, जो एसयूवी सेगमेंट है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है इंसान को। जैसे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी हो जाए या फिर सब 4 मीटर जैसे कि नेक्सॉन वगैरह आता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। उसको देखते हो भाई, माइक्रो एसयूवी का जरूरत था। तो माइक्रो एसयूवी में टाटा पंच अपने सामने गाड़ी तो है ही, लेकिन भाई 2023 में BS6 फेज 2 कंप्लाइंट के साथ जो एक नॉर्म्स आया है, उसको देखते हुए भाई हर कंपनी को अपना इंजन के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना है। उसको देखते हुए भाई टाटा पंच अपना BS6 फेज 2 नॉर्म्स जो है उसके साथ कंप्लाई होके मार्केट में उतर चुका है, रेडी टू गो है। भाई, इसमें जो मेन चेंजेस है ना, वो है इसका इंजन का रिफाइनमेंट। और कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो रिफाइनमेंट है ना, वो भाई बहुत तगड़ा किया गया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउंड जो है वो रिफाइंड है। तो भाई इस चीज़ का बात करेंगे। और जो अपने सामने वेरियंट है वो है टाटा पंच का एडवेंचर, बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट है ये। और जो प्राइस है वो है 6,65,000 रुपया एक शोरूम। सबसे पहले भाई, इसमें आपको जरूरत का सब कुछ मिल जाता है लगभग। जैसे कि आप म्यूजिक सिस्टम का बात करो, साइड मिरर में इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है। सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका की से। तो यहाँ देखोगे ना आपको, तो कुछ इस तरह का आपको की मिलता है, जिसमें एक आपको नॉर्मल की और एक आपको फ्लिप की मिल जाता है, जिसमें लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट से। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको पार्किंग बल्ब मिल जाता है हेलोजन में, आपको इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन में, और नीचे आप देखोगे ना तो आपको रिफ्लेक्टर बेस आपको बल्ब मिल जाता है, जो कि अगर आप गौर से देखोगे तो भाई आपको देखने में ये भी नहीं लगेगा कि ये रिफ्लेक्टर है, क्योंकि सामने में कवर टाइप का कुछ लगा हुआ है। यहाँ जब आओगे ग्रिल में, तो भाई आपको पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल मिल जाता है। नीचे आप देखोगे ना, फॉग लैंप आपको नहीं मिलेगा और पार्किंग सेंसर भी आपको नहीं मिलेगा। ट्राई एरो डिज़ाइन में आपको ग्रिल मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने से लगता है। साइड प्रोफाइल में आते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो अपना प्रोफाइल टायर का। तो यहाँ पे भाई आपको 185/70/15 इंच का इसमें आपको स्टील रिम मिल जाता है व्हील कैप के साथ। अगर आप इसके नीचे वाला वेरिएंट में रह जाते हो प्योर में, तो भाई आपको व्हील कैप भी नहीं मिलेगा। साइड क्लैडिंग आप देखोगे तो भाई मैट फिनिश में पूरा मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो भाई साइड मिरर में यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ऊपर का पार्ट जो है ये आपको मिल जाता है बॉडी कलर, और नीचे आपको मैट फिनिश मिलता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं अब, यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल मिलता है ये भी आपको बॉडी कलर ही मिल जाता है। यहाँ से अपने को पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जो कि 37 लीटर का है, 37 लीटर का। बैक प्रोफाइल में अगर आप आओगे तो बैक से ही भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बहुत लोगों को इसका बैक लुक पसंद नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लगता है भाई, ऐसा कोई ख़राब भी नहीं। जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको पूरा हेलोजन सेटअप मिलता है। यहाँ आप देखोगे तो आपको मिल जाता है हेलोजन बल्ब इंडिकेटर में, यहाँ भी आपको जो ऑलवेज ऑन मोड में रहता है ये भी आपको हेलोजन मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे आपको रिवर्स गियर लैंप मिल जाता है। और जब यहाँ पे आओगे टाटा का लोगो, पंच का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैंप और डीफॉगर रियर वाइपर, ये सब आपको नहीं मिलेगा, और आपको रूफ रेल भी नहीं मिलेगा। अब भाई थोड़ा चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर में, और जो फीचर वगैरह है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इसमें लगभग भाई ज़रूरत का सारा चीज़ आपको मिल ही जा रहा है ना, तो इससे ज़्यादा पैसा लगाना बेकार हो जाता है। फिर ऐसे आप लगाना चाहो तो भाई आप टॉप मॉडल भी ले सकते हो, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है भाई। तो आपको यहाँ पे डुअल टोन में मिल जाता है इंटीरियर, जो कि हल्का सा ऑलिव ग्रीन कलर है यहाँ पे, और बाकी आपको पूरा ब्लैक मिलता है प्लास्टिक फिनिश में। ट्विटर आपको मिल जाएगा, नीचे आप देखोगे तो स्पीकर आपको मिल जाएगा, बोतल होल्डर और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने का आपको मिल जाता है साइड मिरर, चारों पावर विंडो है, लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है, पियानो ब्लैक में यहाँ आपको मिल जाएगा डोर हैंडल। यहाँ पे ट्विटर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब भाई यहाँ पे आपको मैनुअल मिलेगा सीट एडजस्ट करने का, जो कि ठीक ठाक है। अब भाई थोड़ा सा बैठ के मैं आपको फीचर वगैरह दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें आपको मिलता है। सबसे पहले भाई आप ये देख लो, कुछ इस तरह का आपको मिलता है इसका इंटीरियर, जो कि भाई प्रीमियम तो देखने में लग रहा है ये बात भाई आप। तो भाई ये कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको मिल जाता है। यहाँ जब आप स्टीयरिंग पे आओगे ना, तो आपको कंट्रोल यहाँ से, ये आपको टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का आप इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो भाई वही नॉर्मल है, आपको एनालॉग मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाएगा, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर, बीच में आपको स्क्रीन मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज टेम्परेचर, और उसके बाद बहुत कुछ यहाँ पे आप मार्क मिल जाता है, जैसे इंजन लाइट, बैटरी वगैरह का, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे जब आप स्टीयरिंग पे आओगे तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिलता है, जिसमें से इंफोटेनमेंट का सारा कंट्रोल यहाँ से आपको हो जाएगा, और इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आपको यहाँ भी बटन दिया गया है। इंफोटेनमेंट जब आप देखोगे तो आपको भाई छोटा स्क्रीन है, लेकिन सारा कुछ इससे आपको कंट्रोल हो जाएगा, फ़ोन वगैरह कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो कॉल डिक्लाइन वगैरह भी, या वॉइस कमांड भी आपको मिल जाता है, जिसका स्पीकर सॉरी जिसका माइक आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ बल्ब आपको मिल जाएगा हेलोजन में। यहाँ देखोगे आप तो आपको सन वाइजर मिल जाता है, ये आपको मैनुअल मिलेगा। ये सारा कुछ बात हो गया भाई।
यहाँ जब आप देखोगे ना तो आपको एसी मिल जाता है मैनुअल, जिसका सारा कंट्रोल वगैरह यहाँ है। यहाँ से आपको एसी कम या ज़्यादा हो सकता है, बाकी एसी कंट्रोल तो यहाँ पे है ही। 12 वोल्ट का यहाँ सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी केबल यहाँ मिल जाता है, और भाई यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जिसका स्पेसिफिकेशन इंजन जो है वो आपको 1.2 लीटर का मिलता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उसमें है। यहाँ देखोगे ना भाई, यहाँ पे भाई आपको हैंड ब्रेक तो मिल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको खाली जगह मिलता है, जो कि आप 12 वोल्ट का चार्जर लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। और यहाँ पे तो अब भाई थोड़ा सीट का बात कर लेते हैं, तो सीट आप देखोगे ना तो आपको यहाँ फैब्रिक सीट मिलता है, जिसमें ट्राई एरो डिज़ाइन है भाई, ट्राई एरो का थीम है एक तरह से, और ट्राई एरो डिज़ाइन में फैब्रिक सीट कुशन वगैरह बहुत तगड़ा आपको मिलता है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखते हो तो भाई ग्लव बॉक्स में आपको जगह अच्छा खासा मिल जाता है, लाइट वगैरह इसमें आपको नहीं दिया गया लेकिन जगह आपको अच्छा मिल जाता है। ये सारा कुछ बात हो गया। अब भाई यहाँ पे भी आपको एक ट्विटर मिल जाता है, ये सारा भाई बात हो गया। चलते हैं थोड़ा पैसेंजर साइड डोर में और वहाँ से देखते हैं कि भाई किस तरह का इसमें स्पेस वगैरह कैसा है। भाई देख रहो, यहाँ जो अपना सीट है ना, आगे वाला सीट, इसको मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। अपना हाइट जो है वो है 5 फीट 9 इंच। अब भाई थोड़ा सा चलते हैं बैक साइड में, और जैसे कि मैंने अपने हाइट के हिसाब से ड्राइवर साइड सीट एडजस्ट कर रखा है, तो भाई अपने को बैक साइड में उतना स्पेस मिल भी पाता है कि नहीं, उस चीज़ का बात करेंगे। तो यहाँ से भाई अपना डोर खुल जाएगा और 90 डिग्री पे इसका डोर खुलता है। भाई देख लो, ये भी एक फीचर ही है भाई, अगर आपके घर में बड़ा बुजुर्ग कोई है तो उनको बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग बैठेंगे तो भाई आगे वाला जो सीट था वो अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट था, तो भाई यहाँ पे अपन बैठ जाते हैं, तो भाई अपने को स्पेस वगैरह तगड़ा मिल जाता है। अब आप कहोगे कि भाई तुम तो वहाँ ड्राइवर साइड डोर में बैठा था, तो भाई यहाँ देखो तो दोनों सीट जो है वो सेम पोजिशन पर सेट है, उसके हिसाब से भाई यहाँ देखोगे ना तो भाई अपने को लेग स्पेस अच्छा मिल जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा बेंड भी हो जाओगे तो भी अपने को लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है। ये सारा भाई बात हो गया। बैक साइड का अगर आप डोर का बात करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ है, यहाँ पे ऑलिव ग्रीन है, आपको ट्विटर मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर आपको मिल जाएगा। ये सारा भाई बात हो गया, तो आपको लगभग ज़रूरत का सारा चीज़ मिल जाता है। अब थोड़ा बूट का बात कर लेते हैं, ताकि बूट में कितना स्पेस मिलता है वो चीज़ का बाद में आपको दिखाऊंगा। तो अब भाई चलते हैं थोड़ा सा इसका बूट स्पेस खोल के देख लेते हैं कि इसमें आपको बूट वगैरह कैसा मिलता है। तो यहाँ से अपना बूट खोल लेते हैं भाई, और यहाँ देखोगे ना तो अपने को 366 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है, पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाता है, और स्पेस वगैरह भी बहुत तगड़ा है। लाइट वगैरह तो इसमें आपको मिल जाता है, और 1 kg का देखोगे ना आप तो आपको 1 kg का हुक भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से जब आप आओगे अंदर तो भाई अपने को 185/70R 15 इंच का इसमें आपको सेम प्रोफाइल का स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, फिर यहाँ से ये चीज़ सारा चीज़ फिट एंड फिनिश भी आपको तगड़ा मिलता है। यहाँ से अपन इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ से भाई आपको फिट एंड फिनिश देखोगे ना तो वो भी आपको तगड़ा मिलता है, किसी तरह से कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया। ये सारा भाई बात हो गया। अब भाई मेन जो इसका स्पेसिफिकेशन है ना, वो है इसका भाई इंजन। इंजन का जो थोड़ा सा रिफाइंड किया गया है 2023 में, जो कंप्लाइन के साथ जो आया है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, जैसे कि सारा डोर अपना बंद हो चुका है, यहाँ से मैं भाई चुप हो जाता हूँ, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और भाई आप साउंड सुनना। यहाँ देखो भाई साउंड आपको केबिन में आ रहा है, बहुत ना के बराबर साउंड आ रहा है भाई, देख रहे हो भाई, थोड़ा सा भी साउंड, ज़्यादा साउंड इसमें केबिन में नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिफाइंड किया गया है। और भाई कहीं ना कहीं टाटा ठीक हो रही है इस मामले में, क्योंकि रिफाइनमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गाड़ी में। तो भाई यही सारा कुछ फीचर था। और भाई जो अगर आप बात करोगे ना इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, वही आपको 85 BHP का जो पावर आता था 113 Nm टॉर्क के साथ, वही सेम आपको मिल रहा है गाड़ी में। लेकिन कहीं ना कहीं जब रिफाइनमेंट ज़्यादा है तो भाई तो आपको इसका माइलेज में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। 17 का एवरेज वैसे पहले कंपनी क्लेम करती थी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी तो आपको चलाने के ऊपर है, भाई आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हो उसके हिसाब से भाई आपका गाड़ी माइलेज कहीं ना कहीं देता है। तो भाई ये था मेरा वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।